कितना टाइम हो गया आपको ये पैरालाइज का अटैक आए? मार्च मार्च आएगा तो 3 साल होता है। को 3 साल हो जाए, यानी 2.5 साल तकरीबन हो गया है। अच्छा, इसी हाथ को है? इसी हाथ में? इसी हाथ में जो पूरे गेट बंद कर बेटा। उठाइए बात ऊपर, पकड़िए मेरा हाथ, पकड़िए टाइट करो। अब तो ठीक हो रहे डॉक्टर साहब, हमारे घर में मशीन है थेरेपी लेने वाली। मेरे जब भाव लगा तभी उसे पता गया था, तो उसको ले रहे, उसको कोई नुकसान नहीं है? नहीं, कोई नुकसान नहीं। 40 मिनट लगी, कोई दिक्कत नहीं। लेटिए, उल्टी हो जाएगी, पैरालाइज की वजह से कमर में भी बैक पेन भी हो गया इनको लेटे लेटे। आज इनको देखते हैं कितना आराम होता है अभी दबाने से। हाँ जी, अब चलिए चल के देखिए। अभी डंडे से चलते थे, ऐसे चल के देखिए आप। ठीक लग रहा है? अच्छा, हाथ और देखिए अब ऐसे करके। सही है? अब हाथ भी सब ठीक लग रहा है। हाँ ठीक, बैठ जाइए। बस हमको यही शिकायत है, ये थोड़ा सा ये जो था पैरालाइज तो आपका लगभग ठीक हो गया है। अच्छा। हाँ ठीक, ये थोड़ा सा बाय बन गया है आपको, बाय बनने की वजह से जोड़ों में दर्द हो गया आपको। हाँ ठीक है, पैरालाइज तो लगभग आपका पहले से तो 95% ठीक हो गया है आपका। नहीं, 100 का 100 तो अभी नहीं हुए हैं, थोड़ा सा तो फर्क रहता ही है, पहले जैसी चीज नहीं होती, लेकिन हाँ अभी खानी पड़ेगी, बीच में छोड़ दी आपने। अभी कितने दिन बाद आए हो? 2-3 महीने बाद आए हो? ठीक, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले से काफी आराम है। अभी देखिए
उस समय जब ये था कि इतनी ताकत नहीं थी इसमें, अच्छा तो मुझे एक चीज बताइए, जो पहले जो था आपका ऐसे ऐसे करता था हाथ बता रहे हो, ठीक है, पहले कितने महीने पहले आप कितने रोज आपने इलाज करवाया था आपके यहाँ? आपके यहाँ हम 2-3 महीना कराए थे। 2-3 महीने, फिर आप कितने दिन बाद आए हैं अभी? 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए होंगे। 3 महीने हो गए, तो अभी आपको पहले से कितना आराम लग रहा है? जो दवाई ले गए थे अभी आए हो, दवाई खत्म होने के बाद हमको आराम ही आराम है, बस वही खाली थोड़ा ये कमर में, कमर दर्द तो एक बार थोड़ा सा हो जाता है बाबा जी की वजह से, थोड़ा मौसम भी खराब है। अच्छा, लेकिन अभी आपको आराम है? हमको एकदम जैसे लग रहा है एकदम ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ठीक है, 5% की कमी रह रही है, ये 5% का तो थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन आप लगभग 100% के प्रति आपको आराम है पैरालिसिस तो ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बाव बन गया है इसमें, ये घटिया बाव की बात ही होता है। हाँ, ये ठीक हो जाएगा, जो ये गांठें हैं ये तो बन गई हैं, ये ठीक है, ये अभी इतनी नहीं है जो पहली थी आपकी, मुझे जहाँ तक याद है, हाथ लगा के देखिए पूरी चर्बी में गांठें थी, अभी इतनी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा है ये अब की बार में ठीक हो जाएगा, 1 महीने में बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा और बिल्कुल 100 के 100 हो जाओगे आप। डॉक्टर साहब एक हमको तसल्ली दे दीजिए, हाँ। ये जब जिसमें आपको पैरालाइज लगा ना, एक तो शरीर हैवी हो गया आपका, अब तो कम कर दिया रोटी खाना, बहू कहने लगी हमने दवाई दे रखी है उसके अंदर है थोड़ा सा, इसके अंदर क्या है कि कमर के ऊपर थोड़ा सा जोर पड़ता है, एक साइड में पैर पे पूरा दाब नहीं आता, एक पैर पे ज्यादा लोड पड़ता है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा उसमें नस के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ता है, उस वजह से आपको बैक पेन हुआ। अभी इसको ठीक कर देंगे, अभी लगातार आइए आप, 100% ठीक करेंगे, गारंटी से ठीक करेंगे आप, ठीक है पहले कितने रहेंगे आप नहीं, उस बाबा श्याम को याद कीजिए, उसी का आशीर्वाद है, ठीक है जी। आज एक और हम उससे बात करनी है आपसे, एक हमारी बहन अपनी है, बहुत गरीब आदमी है वो, तो उसका पेचिस हमेशा पड़ता है पेट में मोर के, तो बोली थी कि उनसे पूछ लेना डॉक्टर साहब से, अगर कोई बात नहीं कर देंगे गारंटी से करेंगे, गारंटी से कर देंगे। उसका 40 साल हो गया है, कोई बात नहीं, कितना साल हो गया, 40 साल पुराने लकवे हमने ठीक करे, उसको भी करेंगे पक्का, ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे बहन ठीक हो जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं अपने आप कुल करेंगे 100% करेंगे, ठीक है, तब मैं उसको बुला लूं। हाँ जी बुला लूं, ठीक है डॉक्टर साहब, जय श्री श्याम बोल दो, जय श्री राम।